पात्रता के बाद भी, अनाधिकारी होने पर भी, और गणना करिए अपने से कई बार स्वयं कि जो प्राप्त है उसके लिए उतना श्रम साधन योग्यता पात्रता, वैसी पात्रता है, वैसे अधिकारी हैं, उतना श्रम किया है, उतने पुरुषार्थी हैं, उच्च पद के लालसा तो लिए बैठे हो, चार दरिद्र की झोंपड़ी में दीप कभी जलाया है, उच्च पदस्थ होना चाहते हो, दीन देखे हैं, दरिद्र देखे हैं, कई वनवासी गिरवासी आदिवासियों के बीच पहुंचे हो क्या, कभी उनके यहां पहुंचे हैं, औषधि लेकर, अन्न लेकर, साधन लेकर, शिक्षा लेकर, स्वावलंब लेकर, स्वाभिमान उनका जगाने के लिए संगठन में रेवड़ियां बट रही हैं, चार हमें और मिल जाएं, उच्च पदस्थ होना चाहते। एक समूह में थे वो, और निकटस्थ आध्यात्मिक अंतःकरण का व्यक्ति तत्काल सावधान हो गया, सजग हो गया। हमने कहा गुरु है तो अवसर दो बोलने का, वैद्य को अवसर दो कि वो रोग बता सके, औषधि दे सके, निदान दे सके, डराओ मत वैद्य को। वैद्य आपका बैरी नहीं है, वैद्य आपका शत्रु नहीं है, वैद्य आपके शरीर की रक्षा करना चाहता है, इसलिए वैद्य बता रहा है कि पथ्य रखो, औषधि लो। वैद्य बोध करा रहा है कि आपको व्याधि है, इस व्याधि में यह पथ्य रखा जाएगा, इससे अपथ्य हो जाएगा, ये औषधि का क्रम है। वैद्य चूंकि आपका हितैषी है इसलिए बता रहा है वैद्य। सचिव अगर कोई आपको सलाह दे तो सचिव बड़ा नहीं हो गया है, वो आपकी ऊंचाइयों की रक्षा चाहता है, उसे भयभीत मत रखो। अनुचरों को, सेवकों को, अपनों को, मित्रों को, स्वजन बंधु बांधवों को चुप मत कर दो, माता पिता का मुंह बंद मत कर दो, उन्हें बोलने दो, टोकने दो। और माता पिता अगर सीख न दें, वो उपदेश न दें, और वो आपको सचेत न करें, सावधान न करें, तो कितनी बड़ी हानि है जीवन में। सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलूं भयास। गुरु को अवसर दो बोलने के लिए, पात्रता है, योग्यता है, श्रम साधन है,